सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, पौद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और बीए बीएड तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उनके पाठ्यक्रम के अनुसार आज लेकर आए हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसको हम समझने से पहले हम देवनागरी के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी लें। देवनागरी क्या है? देवनागरी एक लिपि है जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। यानी संसार में सैकड़ों हजारों भाषाएं बोली जाती है, हमारे देश में सैकड़ों भाषाएं, बोलियां, उपभाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन भाषा का दर्जा किसे प्राप्त है जिसमें साहित्य सृजन होता हो और साहित्य का बहुत बड़ा खजाना जिसमें मिलता हो, साहित्य लेखन जिसमें होता हो, वो भाषा है। अब भाषाएं कालांतर में परिष्कृत होती गई और उन्होंने अपना अपना वर्चस्व स्थापित किया, अपने अपने नियम और अपने अपने सिद्धांत व्याकरण स्थापित हुए। तो आज हम देखेंगे देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएँ हैं। कुछ जैसे संस्कृत है, अपभ्रंश है, नेपाली है, मराठी है, हिंदी है, ये सब देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है ना। प्रत्येक भाषा का अपना लिपि इतिहास होता है, कोई ना कोई लिपि होती है, निश्चित लिपि होती है जिसमें प्रत्येक भाषा लिखी जाती है। तो सर्वप्रथम तो ये देखेंगे कि देवनागरी जो लिपि है, देवनागरी देवनागरी जो लिपि है इसमें से कई भाषाओं के लिपि है, जैसे संस्कृत है ठीक है ना, अपभ्रंश, उसके बाद मराठी, उसके बाद नेपाली, और अगर देखें हिंदी, तो ये कई भाषाएं और भी हैं, है ना। संस्कृत, अपभ्रंश, मराठी, नेपाली, हिंदी, ये देवनागरी, इन सब भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि का जो विकास है, वो ब्राह्मी लिपि से होता है माना जाता है। ब्राह्मी लिपि से माना जाता है ठीक है ना, ये ब्राह्मी लिपि से इसका विकास माना जाता है। देवनागरी एक भारतीय लिपि है और जिसमें भारतीय भाषाओं का लेखन होता है। दूसरी बात, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसका अगर मुख्य रूप देखा जाए, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, यानी इसके जो लेखन होता है वो बाएं से दाएं होता है। अब ये दाया आता है, ये बाया आता है, तो इधर से इधर लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना है। इसकी पहचान और दूसरी शिरोरेखा, यानी शिरोरेखा, ये इसकी पहचान है। जैसे हम कोई भी लिखते हैं, जैसे लिखते हैं कल, तो इनके नीचे हम इस तरह रेखा खींचते हैं ऊपर क्षैतिज में, और ये इस तरह रेखा है ना। तो ये सिरो जो रेखाएं क्षैतिज में, इन सिरो रेखाओं के द्वारा हम इन्हें पूर्ण अक्षर की संज्ञा देते हैं। पूर्ण अक्षर हम तभी पहचान पाते हैं जब ये सिरो रेखाएं लगती है ना क्षैतिज में। तो सिरो रेखाएं लगाई जाती हैं
हिंदी की जो लिपि है, हिंदी के जो वर्ण हैं, उनमें सिरोरेखाएं लगी होती है, और यही इस लिपि की पहचान है ना। उसके बाद देखते हैं ये ध्वनात्मक लिपि है, यह है ध्वन्यात्मक लिपि है। इसकी जो प्रत्येक वर्ण है वो वर्ण भी है, ध्वनि भी है ना। ध्वनात्मक यानी प्रत्येक वर्ण को हम पढ़ सकते हैं, पढ़कर उसका जो उच्चारण है, जो ध्वनि है, उसे भी हम सुन सकते हैं। यानी प्रत्येक वर्ण की ध्वनि होती है, कोई साइलेंट वर्ण नहीं होता हिंदी में, अंग्रेजी की तरह कोई साइलेंट वर्ण नहीं होता है ना। तो ये ध्वनात्मक लिपि है। सबसे पहले देखते हैं ये ध्वनात्मक लिपि है, ध्यान रखें। इस लिपि में संसार की लगभग सारी जो लिपियाँ हैं, भाषाएं हैं, उनसे ज़्यादा वर्ण पाए जाते हैं, 52 वर्ण, जो बहुत ज़्यादा भी नहीं कही जा सकते, कम भी नहीं है। 52 वर्ण इसमें पाए जाते हैं देवनागरी लिपि में, 52 वर्ण, जो अत्यधिक भी नहीं है और कम भी नहीं है, है ना। तो 52 वर्ण भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन ये 52 वर्ण संख्या में अधिक लगते भले ही हो, लेकिन इनके जो इनकी जो प्रकृति, इनकी जो संरचना है, वो इनकी जो क्रमबद्धता है, अगर उसके अनुसार इनको हम देखते हैं, इनकी क्रमबद्धता इतनी शानदार है, इतनी बढ़िया है कि हम इन्हें आसानी से 52 वर्णों को आसानी से पढ़कर सहजता से, सरलता से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है ना, इनको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए इसमें एक विशेषता यह और है कि एक ध्वनि के लिए एक संकेत चिन्ह है इसमें, एक ध्वनि के लिए एक संकेत चिन्ह, एक संकेत चिन्ह है, एक ध्वनि के लिए एक संकेत चिन्ह। जैसे र है, र को र इसी तरह लिखेंगे, बे को बे, पे है ना, पे बोलेंगे तो पे की ही ध्वनि निकलेगी, बे की ही ध्वनि निकलेगी, रे की ही ध्वनि निकलेगी। रोमन भाषा की तरह नहीं कि सी के अनेक अर्थ निकलते हैं, के भी निकलता है, छे भी निकलता है ना, छे भी निकलता है एक ही वर्ण का, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक संकेत निर्धारित किया गया है, ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है देवनागरी लिपि की। सबसे प्रमुख विशेषता है कि एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह निर्धारित किया है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक से अधिक चिन्ह नहीं होते, है ना। उसके बाद लेखन और उच्चारण में एक रूपता, जैसे लिखते हैं वैसे ही बोलते हैं, लेखन और उच्चारण में एक रूपता, उच्चारण में एक रूपता, एक रूपता, लेखन और उच्चारण में एक रूपता। यानी संसार की एकमात्र ऐसी भाषा जिसकी जो लिपि देवनागरी है, उसकी ये विशेषता है कि इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। इसलिए पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है। हमारी जो लिपि है ये पूर्णतः वैज्ञानिक है, पूर्णतः इसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही उच्चारण होता है ना, और जैसा उच्चारण होता है वैसा ही इसमें लेखन होता है ना। तो पूर्णतः वैज्ञानिक है, इसमें विविधता नहीं है। तो ये इसकी सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है कि देवनागरी में जैसा लिखा जाता है
और उच्चारण जैसा होता है वैसा ही इसमें लिखा जाता है, जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा जाता है, जैसा पढ़ा जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ये इसकी प्रमुख विशेषता है जो हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए इसके बाद एक संकेत चिन्ह द्वारा एक ध्वनि का निरूपण होता है, ये भी हमने देख लिया कि एक संकेत चिन्ह द्वारा एक ध्वनि का निरूपण होता है। जैसे मैं मान लो कि ये है स, श, मान लो कि ए है, ए वर्ण है, ये स्वर है, है ना, ये स्वर है, तो ए को ए ही कहेंगे, सभी जगह ए की ध्वनि ए ही होगी और कोई अन्य ध्वनि नहीं होगी। चाहे हम इसे किसी किसी भी वाक्य में, किसी भी शब्द में हम इसको इसका प्रयोग करें, इसकी ध्वनि हमेशा एक ही रहती है। जिसका संकेत जैसा है उसकी ध्वनि भी एक रहती है, यानी एक संकेत का एक ध्वनि रहती है, ठीक है ना, बदलती नहीं, ठीक है ना, समान रहती है। उसके बाद देखते हैं स्वर और व्यंजन में तर्क संगत में वैज्ञानिक क्रम विन्यास होता है, बिल्कुल है। जैसे स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन। अब देखिए स्वर व्यंजन में, यानी स्वर और व्यंजन में तर्क संगत में वैज्ञानिक क्रम विन्यास होता है, बिल्कुल है। तो देखो सबसे पहले स्वर आते हैं, यानी अगर हम देवनागरी लिपि की वर्णमाला देखें तो सबसे पहले स्वर आते हैं, उसके बाद व्यंजन आते हैं, ये क्रम है, है ना। स्वर व्यंजन आते हैं, फिर उष्मीय वर्ण आते हैं, संयुक्त अक्षर अक्षर आते हैं, है ना। इस प्रकार इनका क्रम निर्धारित दिया गया है। सबसे पहले क्योंकि स्वरों का स्थान देवनागरी में अलग होता है, व्यंजनों का स्थान अलग होता है, उसमें वर्णों का और संयुक्त वर्णों का अलग स्थान होता है। तो जैसी प्रकृति जैसी ध्वनि है, जैसे वर्ण है, उनकी अलग अलग उनका स्थान निर्धारित किया गया है, इसलिए इसको पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। जैसे ओष्ठ है, ओष्ठ में जो वर्ण ओष्ठ में आते हैं वो ओष्ठ पहले लिखते हैं, फिर दंत है, फिर दंत आएगा, फिर तालव्य आएगा, इस प्रकार तालव्य मूर्धन्य, तालव्य तालव्य मूर्धन्य, तो इस प्रकार ये एक क्रम है इनका, यानी उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाली जो ध्वनि है, जो वर्ण है, उनका एक निश्चित क्रम इस लिपि में पाया जाता है, इसलिए इसको पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि माना जाता है, कहा जाता है, ठीक है। अब देखो वर्णों का प्रत्याहार रूप में उपयोग, ये माहेश्वर सूत्र में देवनागरी वर्णों को विशिष्ट क्रम में रखा जाता है। माहेश्वर सूत्र संस्कृत में देखते हैं तो देवनागरी जो वर्ण है, देवनागरी लिपि में जो ये हिंदी के जितने भी वर्ण हैं, है ना, इनको एक माहेश्वरी सूत्र के अनुसार रखा गया है, एक निश्चित क्रम में रखा गया है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं दूसरी बात, भारतवर्ष में अगर देवनागरी लिपि को देखा जाए, देवनागरी लिपि का प्रयोग, देवनागरी लिपि का प्रयोग संख्यात्मक रूप में किया जाता है, संख्यात्मक रूप में किया जाता है, बिल्कुल है। देवनागरी लिपि का प्रयोग संख्यात्मक रूप में किया जाता है। हम देखते हैं कि जहां भी हम कोई लेख लिखते हैं या कोई पैरा लिखते हैं और हमें संख्या निर्धारित करनी होती है, तो हम
उसमें संख्यात्मक रूप जैसे ए है ना, बे, शे, दे, तो इस प्रकार ए बे से दे, तो संख्यात्मक रूप निर्धारित होता है इसका अधिकतर, है ना। तो ये भी रूप हम इसका देखते हैं, ये इसकी विशेषता है। उसके बाद आप देखिए संख्यात्मक रूप में इसका प्रयोग हो गया, मात्राओं की संख्या का आधार पर छंद विधान है। अब देखो छंद विधान अगर देखें हम, छंद विधान के बारे में अगर हम देखें तो इसमें छंद दो प्रकार के होते हैं, वर्णिक है ना और मात्रिक। वर्णिक मात्रिक यानी इसमें वर्णों की गिनती होती है वर्ण, इसमें मात्राओं की गिनती होती है ना। तो जहां वर्ण और मात्राएं गिने जाते हैं, गिनने के आधार पर छंदों का निर्धारण होता है, तो ये विशेषता केवल देवनागरी लिपि में ही प्राप्त होती है। देवनागरी लिपि में ही ये विशेषता में देखने को मिलती है कि छंद विधान में वर्णों की गिनती की जाती है, मात्राओं की गिनती की जाती है, उसके आधार पर ही छंदों का नामकरण किया जाता है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं लिपियों के नाम और ध्वनि में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल कैसे। लिपि चिन्ह वे ध्वनि, लिपि चिन्ह और ध्वनि इनमें कोई अंतर नहीं पाया जाता। जैसे हम मानते हैं कि लिपि चिन्ह जैसे ये रे है, रे, ये लिपि चिन्ह रे, तो रे को हम रे ही ध्वनित करते हैं, उच्चारण इसका उच्चारण जो होता है उच्चारण वो रे ही होगा। जबकि नहीं, अगर इसके उच्चारण हम करेंगे तो रे और ए, क्योंकि व्यंजनों में स्वर हमेशा पाया जाता है, ये व्यंजन स्वर की सहायता से ही बनते हैं, स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, हमें ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लिपि चिन्हों के नाम और ध्वनि कोई अंतर नहीं होता। अब जैसे अब इसमें रोमन भाषा की तरह नहीं कि इसको हम बी कहेंगे, है ना, इसमें बे से व्यक्त करते हैं, बे से व्यक्त करते हैं देवनागरी लिपि में बी को, बे से बी, और उसमें इस तरह कहेंगे बी, यानी डबल ई बी, लेकिन देवनागरी में उसको बे से ही व्यक्त करते हैं, ठीक है। हाँ, आप देखते हैं अगली इसकी कुछ विशेषताएं, लेखन और मुद्रण में एक रूपता, लेखन और मुद्रण में एक रूपता। ऐसा नहीं कि लेखन करते समय इनके अक्षरों की बनावट अलग होती है और मुद्रण करते समय इनके अक्षरों की बनावट अलग होती है, नहीं, एक रूपता होती है ना, चाहे लेखन हो या मुद्रण हो, समान इनकी बनावट, इनकी संरचना समान होती है लेखन व मुद्रण में, एक रूपता होती है, है ना। लेखन में मुद्रण में एक रूपता होता है, एक जैसे ही अक्षर एक जैसी ध्वनि काम में ली जाती है। अर्धाक्षर के रूप की सुगमता, अब इसमें देखो अर्धाक्षर होते हैं, जैसे खच्चर, ये अर्धाक्षर है ना अर्धाक्षर, प्राप्त, आदपे, तो इनमें अर्धाक्षर के रूप की सुगमता है, इसमें अर्धाक्षरों को आसानी से लिखा जा सकता है, आसानी से पढ़ा जा सकता है।
ये जो विशेषता है, ये काबिलियत है, केवल देवनागरी लिपि में ही हमको देखने को मिलती है। अब आगे देखते हैं मात्राओं का क्रमिक प्रयोग। मात्राओं का जो प्रयोग है इसमें क्रमिक पाया जाता है, जैसे मात्राओं का प्रयोग जैसे ए आ ई ई उ उ है ना, अरे से ए डी आई एन ओखले औरत अंगूर और एह, ये स्वर है। तो स्वर की मात्रा ये और इसकी मात्रा आ की ये है ना, इसकी मात्रा ये है और इसकी मात्रा ये और इसकी मात्रा ये, इसकी मात्रा ये, इसकी मात्रा ये री है संस्कृत का, ठीक है ना, इसकी मात्रा ये, इसकी मात्रा ये और इसकी मात्रा ये, इसकी मात्रा ये, इसकी मात्रा ये और इसकी मात्रा ये। अब ये इस तरह यहाँ जो मात्राओं का संयोजन है वो क्रमिक है, क्रमबद्धता से है और क्रमबद्धता से होने की वजह से ये जो लिपि है ये पूर्ण वैज्ञानिक रूप से हमको समझने में और जानने में हमारे सामने उपस्थित होते सक्षम है। इसलिए मात्राओं के जो प्रयोग है वो क्रमिक है, क्रम से है, ऐसे नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस लिपि में विपुल साहित्य भंडार मिलता है। इस लिपि में संसार की जितनी भी लिपियां हैं, जितनी भाषा है, उन सबसे अधिक विपुल साहित्य भंडार मिलता है। इसमें बहुत ज़्यादा साहित्य लिखा गया है, विपुल साहित्य भंडार। इसमें विपुल साहित्य भंडार लिखा गया है ना। भारतीय देवनागरी लिपि के अंतर्गत आने वाली जो भाषाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा साहित्य लिखा गया है, जो संसार की सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। इस लिपि का वर्तमान रूप वैज्ञानिक है, बिल्कुल है, कंप्यूटरीकृत है, क्योंकि आजकल जमाने में, इस कम्युनिकेशन के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, कंप्यूटर के इस आधुनिक दौर में, कंप्यूटर के प्रत्येक डाटा में, प्रत्येक साइट पर हिंदी का, हिंदी वर्णमाला का, हिंदी डाटा का प्रयोग मिलता है आसानी से। तो हिंदी कंप्यूटरकृत हो गई है। स्वरों के लिए स्वतंत्र चिन्ह, स्वरों के लिए स्वतंत्र चिन्ह, ये स्वर हैं, इनके लिए अलग ही स्थान है और इनके लिए स्वतंत्र चिन्ह, ये किसी से मिले हुए नहीं है। व्यंजनों की आक्षरिकता, आक्षरिकता का मतलब होता है तोड़ना। जो व्यंजन है, अगर हम बे लिखें तो बे को दो ध्वनियों में तोड़ेंगे, इसमें और ए इसमें। तो कहने का मतलब है कि जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बने होते हैं, उनमें स्वर छुपा रहता है, स्वर की ध्वनि उच्चारित होती है, तो ये आक्षरिक होते हैं व्यंजन। स्वरों के लिए स्वतंत्र चिन्ह होते हैं, ये इनका स्थान भी अलग होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि में, यानी स्वर और व्यंजन और देवनागरी लिपि की जो भी बात है वो सब अलग अलग दिखाई देती है। बस आज इतना ही। नमस्कार।